हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निहारिका और आज मैं कैंस का एक और लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ। ये लुक सेलेना गोमेज ने कैंस 2019 में वेयर किया है। जब मैंने सेलिब्रिटी मेकअप लुक्स देखे थे 2019 कैंस के, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये वाला लुक भी रिक्रिएट करना है, क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव मेकअप लुक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आईब्रोज से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी वेट एंड वाइल्ड की रिट्रैक्टेबल आईब्रो पेंसिल, और मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी और उसके बाद जो उसमें स्पूली आती है उसी से कॉम्ब भी कर लूँगी। अब मैं अपने आईलिड्स पे कंसीलर लगा रही हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मेबेलिन का एज वेंट कंसीलर। मैं ये इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी आईलिड्स को प्रेप करना है आई शेडो के लिए, और उसके लिए या तो हमें एक आई शेडो बेस यूज़ करना होता है या कंसीलर यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और कंसीलर को अच्छे से लगाने के बाद मैं उसे सेट कर लूँगी एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का लाइफ ऑन द डांस फ्लोर पैलेट, और उसमें से मैं ये वाला शेड ले लूँगी। और ये शेड थोड़ा डार्क है बट मुझे डार्क इफेक्ट नहीं चाहिए, बहुत ही लाइट इफेक्ट चाहिए है। तो मैं बहुत ही कम अमाउंट लेके अपनी क्रीज पे बिल्ड करने वाली हूँ कलर को। मतलब मैंने बहुत ही कम कलर लिया है, बस उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा शो नहीं करना है क्रीज पे। प्रीवियस कलर को क्रीज पे लाइटली बिल्ड करने के बाद मैं ये सिल्वर शेड लेने वाली हूँ। सेलेना के आइस पे एक सिल्वर सा शेड है जो कि बहुत ही लाइट सटल है, तो मैं उसके लिए ये शेड यूज़ करने वाली हूँ और इससे मैं अपनी पूरी आईलिड पर लगा लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मेरी क्रीज कलर के साथ। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा लैकमे का इंस्टा लाइनर ब्लैक कलर में, और मैं इसे एक विंग थिक आईलाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ। आईलाइनर के बाद अब मैं सेम सिल्वर शेड अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूँगी। मेरी वाटर लाइन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूड लाइनर वेट एंड वाइल्ड से। व्हाइटनर लगाने के बाद मैं मेरा फेसेस का मैग्नेटाइज काजल लेके जो मेरी नीचे की पलके हैं उसमें बस हल्का सा टच करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं देना है, एक हल्का सा इफेक्ट चाहिए ब्लैक कलर का। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा वेट एंड वाइल्ड का मेगा प्रोटीन मस्कारा, और मैं इसको अपनी अपर और लोअर दोनों लैशेज पर लगा लूँगी। अपनी आई लैशेज ऑफ कैमरा लगाने वाली हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ पैक की आई लैशेज और आर्डर लियो लैश ग्लू। इसके बाद हम फेस मेकअप स्टार्ट करेंगे। फेस मेकअप के लिए मैं सबसे पहले अपने फेस को प्रिपेयर कर लूँगी, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मैक का प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस स्प्रे। फेस पे स्प्रे करने के बाद मैं इसे सोक होने दूंगी स्किन में। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा लैकमे का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर, और इसे मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ टी जोन पे फोकस करते हुए। अब फाउंडेशन लगाने का टाइम है, और मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मेबेलिन का 24 आवर सुपरस्टे फुल कवरेज फाउंडेशन। पहले मैं इसे अपने फेस पे फिंगर्स से लगा लूँगी और उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करने वाली हूँ एक ब्लेंडिंग स्पंज से। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मेबेलिन का एज वेंट कंसीलर,
और इसे मैं अंडर आईज पे, फोरहेड पे, चिन पे लगा लूँगी और उसके बाद ब्लेंड कर लूँगी सेम स्पंज से जिससे मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया था। मैं ये कंसीलर अपनी बहुत सारी वीडियोस में यूज़ करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे ये कंसीलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो जाता है और कवरेज भी देता है। कंसीलर के बाद मुझे अपनी अंडर आइज़ को सेट करना है और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट और इससे मैं अपनी अंडर आइज़ को अच्छे से सेट कर लूँगी। ब्रॉन्जर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा फेसेस का अल्टाइम प्रो फेस पैलेट और उसमें से ब्रॉन्जर लेके मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज अप कर लूँगी। मैं अपनी चीक बोन्स, जॉ लाइन और नोज पे ब्रॉन्जर लगाने वाली हूँ। एक तरीके से कॉन्टोर भी हो जाएगा। नोज कॉन्टोर करने के बाद मैं कॉन्टोर को क्लीन कर रही हूँ जो मैंने प्रीवियसली फिट मी कॉम्पैक्ट यूज किया था उसी से। इससे ये होगा कि जो मेरी नोज है वो और ज्यादा शार्प रहेगी। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ब्लश और इसमें से मैं ये वाला शेड लेके अपने चीक्स पे लगा लूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा मेकअप रिवोल्यूशन का सोफेक्स हाइलाइटर पैलेट और मैं जो यूजुअल प्लेसेस हाईलाइट करती हूँ वहाँ पे हाईलाइट कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड कैटसूट लिपस्टिक इन द शेड फ्लेम ऑफ द गेम। मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया है और अब मैं इसे सेट कर लूँगी मैक फिक्स प्लस से। So here's the finished look. If you like this, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, bye. I'll meet you all in my next video.